खुद जैसे ऐलान होगा दिल्ली कूच करेंगे, और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री जी को भी मैसेज हमने करवाया है कि आप किसानों की सुने अंधाधुंध सड़कों पे, कई किसानों की ठंड से मौत भी हो गई वहाँ पे, हालात भयावह है। समय रहते अगर आंदोलन को नहीं संभाला तो आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के सम्मान के अंदर, अगर एनडीए छोड़ना पड़ा तो एनडीए भी छोड़ दूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो एमपी का पद भी किसान कौम के लिए छोड़ने को मैं तैयार हूँ। मैं किसानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कल हम कोटपुतली से आगे की लड़ाई का आह्वान करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें किस तरह लड़ाई लड़नी। हमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकना, हम चाहते हैं कि किसान की बात सुने और इन बिलों के अंदर या तो बिल वापस ले, और यह बिलों के अंदर जहाँ किसानों का विरोध है उन जो इसके अंदर इन्होंने अलग अलग रखे हैं, जैसे मंडियों का मामला है या एसडीएम तय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, ये तीन चार प्रमुख जो मामले हैं, और हमारी एक प्रमुख मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, इसको लेकर अभी कोई भी नहीं बोल रहा, ये भी हमारी डिमांड है। इसको लेकर ठोस बात हम दिल्ली की सरकार से चाहते हैं, और कल इसमें रणनीति हम तय करेंगे। आर पार की लड़ाई अब राजस्थान का किसान और देश का किसान दिल्ली की सरकार के खिलाफ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी, राजस्थान के किसान नौजवान एकजुट है, और हम किसानों के हित के अंदर हम सब लोग एक हैं। पार्टियों से ऊपर उठ के हमारे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा के इनकी बिना परवाह के किसान के बैठे, किसान कौम पे संकट है, इसलिए हम दिल्ली कूच की तैयारी के अंदर कल कोटपुतली से इसका बड़ा आह्वान होगा। आप कल जाओगे? मैं ही जाऊँगा, तो सभा है कोटपुतली के अंदर पहले, तो उसके बाद सभा के बाद रणनीति तय होगी कि आगे किस तरीके से कैसे जाना हमारे।